हेलो बच्चों, आप सभी के सामने एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का। पढ़ते हैं इसको कि बाधा वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आज हम लोग इस वीडियो में इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, सही से समझिएगा इसको। क्या क्या दिया गया है पहले वो लिखेंगे। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल हमें दिया गया है ई, ये हमें ई दिया गया है, बराबर 12 वोल्ट। आगे पढ़ो। 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, हमें आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर, ये हमें दिया गया है 3 ओम। आगे पढ़िएगा। को बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। आगे है, यदि प्रतिरोध में धारा 0.5 एम्पीयर, धारा दी गई है, देखो यहाँ पर आई 0.5 एम्पीयर हमें धारा दी गई है। पूछा गया है जुड़े प्रतिरोध का मान, मतलब एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है उसका मान निकालना है। तो हम मान कोई आर प्रतिरोध है, हम मानते हैं उसके साथ जोड़ा जाता है, उसका मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है कि आई इक्वल टू ई अपान जो नया प्रतिरोध जोड़ा गया है उस प्रतिरोध को लिखते हैं, प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आई का मान आपको कितना दिया गया है, 0.5, बराबर ई का मान कितना है 12 वोल्ट, तो 12 अपान में आ जाएगा, आर निकालना है हमें, प्लस इसमें आपको आर दिया गया है 3, यही तो है, बटे में यहाँ पे एक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को सॉल्व कर लेंगे हम लोग अब। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10, 5 51 5, 5 2 10 आ जाएगा आपका 1/2, बराबर 12/r+3। क्लियर, तिरछा गुणा कर देंगे तो r+3 51 r+3 बराबर 12 2 24। यहाँ से आर का मान निकालेंगे कितना जाएगा, 24 माइनस का हो जाएगा 3, आर बराबर आपका जाएगा 21 ओम। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम, तो कितना जाएगा आपका, आर का मान आ जाएगा 21 ओम। तो इस प्रकार से जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध है उसका मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है।